सो हे गाइज, दिस इज पंकज एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक फोर पंकज। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से अपने पबजी मोबाइल ग्लोबल के डाटा को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों को डाटा को ट्रांसफ़र करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुल आपके बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वाले अकाउंट में डाटा ट्रांसफर हो जाए। सो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक जरूर देखना, और अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सा आपका जो एप्लीकेशन रहेगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, उसे ओपन कर लेना है, और आप लोगों को उसी अकाउंट से इसे साइन अप करना है जिससे आप लोगों ने पहले पबजी मोबाइल ग्लोबल को साइन अप किया था। मतलब जिस भी फेसबुक अकाउंट से या फिर जिस भी जीमेल आईडी से आप लोगों ने साइन अप किया था, उसी जीमेल आईडी से या फिर आप लोगों को उसी फेसबुक आईडी से उसे लॉग इन कर लेना है, अदरवाइज आपका जो डाटा रहेगा वो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने पहले पबजी मोबाइल ग्लोबल को जिस आईडी से लॉग इन किया था, उसी आईडी से आप लोगों को इस बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आप लोगों को राइट साइड के कोने पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उस सेटिंग के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे टॉप में आप लोगों को डाटा ट्रांसफर का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पर लिखा है अकाउंट ट्रांसफर। तो ये जो अकाउंट ट्रांसफर लिखा है उसी पर आप लोगों को क्लिक करना है, और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा यस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों को कौन से आईडी से लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा फेसबुक से लॉगिन करने वाला हूँ, तो मैं फेसबुक पर क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद आप लोगों को उसी आईडी को डालकर, मतलब अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड को डालकर इसे सिंपल सा लॉगिन कर लेना है। तो मैं इसे फटाफट जो है लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे हम इसे लॉगिन कर लेंगे तो हमारे सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप लोगों को यस कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है अकाउंट डाटा ट्रांसफर, तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो है यस कर देना है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने जो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है माइग्रेटिंग, मतलब आपका जो पुराना वाला डाटा है वो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया है। अब गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया है, और हमारा जो डाटा है वो उतनी ही तेजी से ट्रांसफर होगा जितना ज्यादा आपका नेट का स्पीड रहेगा। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है आर यू ओवर 18 इयर्स ओल्ड, मतलब क्या आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हो। तो आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सा यस करना है, और अगर आप लोग यहाँ पर नो करोगे तो आप लोग इस गेम को बिल्कुल भी नहीं खेल पाओगे। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा यस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, फिर से यस पर क्लिक करना है, और कलेक्ट कर करके ओके यस पर क्लिक करते रहना है। तो यहाँ पर जैसे आप इसे करते रहेंगे तो आपका जो डाटा है वो तो माइग्रेटिंग होते रहेगा, मतलब आपका जो ओल्ड वाला डाटा है वो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में ट्रांसफर होते ही रहेगा, और बस इतना ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब आप लोग यहाँ पर फाइनली देख सकते हो हमारा जो ओल्ड वाला डाटा था, मतलब पबजी मोबाइल ग्लोबल का, वो फाइनली हमारे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में आ गया है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जैसा कि ये हमारा शर्ट है, फिर आपका जितना भी डाटा रहेगा वो सारे डाटा कुछ इसी तरह से बहुत ही आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना, और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की डाउट्स है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की और भी डाउट्स है और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है ऑफिशियल पंकज कश्यप, तो आप लोग वहां मुझे फॉलो भी कर लेना, और आपकी सारी डाउट्स को मैं वहां क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की बहुत ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।